चलो आज जूस बनाते हैं, लेकिन जूस बनाने से पहले उसका सामान निकालना पड़ेगा जूसर का। चलो लेट्स गो। टू मच वर्क, रहने दो। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, बहुत बहुत स्वागत है आपका चैनल के ऊपर। आप देख रहे हो मेरा चैनल, और क्या देखोगे आप, मेरा चैनल देख लो। तो जैसे आपने देखा कि जब भी एक्चुअली यहाँ से कोई सामान निकालना होता है तो ये बहुत डीप है, तो उसकी वजह से बड़ा झुक के निकालना पड़ता है। और कई बार यहाँ पे मिक्सर भी पड़े हैं, जैसे मेम साहब कभी कभी केक बनाते हैं तो वो मिक्सर पड़े हैं, ये क्या कहते हैं इसको, पिंसा पॉट पड़ा है, तो काफ़ी भारी चीज़ें पड़ी हैं यहाँ पे, तो इनको निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। सो इसलिए आज का जो प्रोजेक्ट है वो इसी मुश्किल को थोड़ा आसान करने का प्रोजेक्ट है। और वो कैसे, लेट्स गो सी। तो लास्ट वीडियो में आपने देख लिया कि ये डोर मैं एक्चुअली बना रहा हूँ, लेकिन ये डोर इसलिए लेट हो गए क्योंकि मैं चाहता था कि ये जो शेल्व्स हैं इनको मैं पुल आउट शेल्व्स बना लूँ। अब उसका फायदा क्या होता है, पुल आउट शेल्व का क्या मतलब है कि जब भी मैं इसको ऐसे खींचूं तो ये बाहर आ जाए और मैं बड़े आराम से वहां से सामान ले सकूं। सो आज का प्रोजेक्ट वही होने वाला है। उसका फायदा ये होगा कि जो सामान पीछे पड़ा है, जैसे फॉर एग्जांपल आप देख सकते हो, यस, तो ये सामान मैंने निकालना है। जब मैं पुल आउट शेल्फ बना लूंगा तो जब ये बाहर आएगी तो वो सामान भी उसके साथ बाहर आ जाएगा और मुझे बगैर झुके वो सामान मैं उठा सकता हूँ। सो ये एक, दो, और ये नीचे वाली तीसरी, तीन, ये 1, 2 और 3, ये तीनों शेल्फ्स मैं बनाऊंगा पुल आउट शेल्फ्स। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि वो कैसे होगा, लेकिन उससे पहले दरवाजे खोलने पड़ेंगे, सामान निकालना पड़ेगा। लेट्स स्टार्ट। जो सबसे नीचे वाली शेल्फ जहाँ पे जिसके ऊपर पड़ी हुई थी वो ये है, राइट। यहाँ पे ये सपोर्ट बहुत अच्छी है एंड ये सपोर्ट थोड़ी ढीली है, सो इसको मैं थोड़ा चेंज कर दूंगा। देखिए ये देखो, ये थोड़ी ढीली है, सो इसको अभी चेंज कर देते हैं। सो पुल आउट बनाने के लिए इसको मैं बहुत ही बेसिक जो ड्रॉअर की रेल होती है उसको यूज करूंगा। ये बहुत ही बेसिक है, ये कोई सेल्फ क्लोजिंग या सॉफ्ट क्लोजिंग नहीं है, दिस इज अ बेसिक रेल, एब्सोल्युटली बेसिक, लेकिन इससे मेरा काम हो जाएगा और मुझे आई डोंट वॉन्ट टू बी इट फैंसी, सो इसलिए बिल्कुल ये फैंसी के अंदर है तो ज़्यादा फैंसी भी इसको बनाने की जरूरत नहीं है। सो एक्चुअली मैं इसे खोल के दिखाता हूँ आपको कि ये एक्चुअली होती क्या है। लेट्स गो। ये जो एक्चुअली है ये आपका दीवार के साथ लगेगा और जो ये रेल है वो जो शेल्फ है उसके साथ लगेगी, और जब ये ऐसे इसमें जाएगी, कैसे गई, ऐसे जैसे ऐसे इसमें जाएगी तो ये रेल ऐसे आगे पीछे शेल्फ को करेगी। दैट इज द बेसिक आइडिया, दैट्स इट। अब जैसे कि मैंने बताया था कि जो लेफ्ट पे सपोर्ट है वो थोड़ी वीक थी, तो उसको एक्चुअली अभी मैं चेंज कर रहा हूँ और एक सॉलिड लकड़ी लगा रहा हूँ पुरानी वीक की जगह पर। वेल, ये लकड़ी मैंने लगा दी है, आप देख सकते हो। इसको लगाने के लिए एक्चुअली मैंने 3 इंच के जो स्क्रू है वो यूज किए हैं। उसका कारण ये था क्योंकि ये लकड़ी ये लकड़ी 1/2 इंच की मोटी है और ड्राइवॉल हमारी 1/2 इंच की मोटी है, तो एटलीस्ट जो 2 इंच है वो हमारा दीवार के अंदर जो स्टड है, स्टड या लकड़ी, एक्चुअली स्टड होता है जिसके ऊपर ड्राइवॉल लगी होती है, जो ड्राइवॉल लगी होती है उसके अंदर ऐसे करके लकड़ियां लगी होती हैं पीछे आपके दीवार के, ऐसे 2x4 लगी होती है, ऐसे लगी होती है वो, और उसके ऊपर एक्चुअली ऐसे ड्राइवॉल लगी होती है, तो इस लकड़ी को कहते हैं स्टड, राइट। सो अगर स्टड में आप अच्छी तरह स्क्रू लगा दोगे तो उसका फायदा ये होता है कि अगर कल आप इसके ऊपर ज़्यादा लोड भी डालते हो तो वो उसको अच्छी तरह पकड़ लेता है और वो लोड को एक्चुअली बेयर कर सकता है। सो ये लग चुकी है, अब नेक्स्ट स्टेप है ये रेलिंग लगानी है हमें। अब रेलिंग के 2 पार्ट होते हैं, एक जो दीवार के साथ लगता है और एक जो आपका शेल्फ पे लगेगा। सो लेट्स गो, अभी इसको लगाते हैं, राइट। अब इसके लिए मैं यूज कर रहा हूँ 2 इंच के स्क्रूज क्योंकि लकड़ी 1/2 इंच की है और ड्राइवॉल जो हमारी है वो भी 1/2 इंच की है, तो एटलीस्ट जो 1 इंच है वो उस दीवार से भी पीछे चला जाएगा और वो थोड़ी और उसमें मजबूती आ जाएगी, राइट। दैट्स द ओनली रीजन कि मैं ये 2 इंच के स्क्रू क्यों लगा रहा हूँ।
Let's go. तो ये लग गई है साइड पे दीवार के साथ। अब ये जब हम इसको जो हमारी शेल्फ के साथ लगेगी, ये जाएगी इसके शेल्फ के अंदर इस तरह एंड इसके साथ ये ऐसे रेल करेगी, ऐसे ये रेल करेगी। अब आप कहोगे कि ये बाहर क्यों आ रही है, और बाहर इसलिए आ रही है कि ये जो इसकी इस साइड पे है, टेक्निकली इसका काम है कि वो शेल्फ को बाहर ना आने दे, क्योंकि इसके अंदर लॉक होंगे। ये ऐसे लगेगी दीवार के साथ, और जब ये इसके साथ ऐसे लॉक हो जाएगी, ये गो, यहां से अगर इसको मैं डालूंगा तो ये देखिए ये लॉक आ जाएगी, लॉक हो जाएगी, तो ये शेल्फ को बाहर नहीं आने देगी। और दूसरी साइड इज जस्ट सपोर्ट, दैट्स इट। तो चलिए अभी इस साइड पे लगाते हैं, दीवार के साथ लगेगी, उसके बाद शेल्फ पे कैसे लगेगा वो दिखाएंगे आपको। लेट्स गो। देखिए आपको दिखा देते हैं कि ये कैसे इस शेल्फ को बाहर नहीं आने देगा। ये देखिए इसके अंदर ये एक्चुअली लॉक हो जाएगा, ये जब ये शेल्फ लग जाएगी इसके अंदर, एंड ये जो है ये शेल्फ को ऐसे बाहर नहीं आने देगा, और ये आपकी रेलिंग पूरी अच्छी तरह हो जाएगी। सो इस तरह हम ये पुल आउट डोर बनाएंगे, ये यहाँ तक आ सकता है, देखिए इतना लंबा बाहर तक आ जाएगा, और बड़े आसानी से यहाँ से मैं सामान उतार सकूँगा। अब शेल्फ एक्चुअली आपने कैसे इसकी मेजर करनी है, क्योंकि जो पहले शेल्फ लगी हुई थी वो तो हमारी एक्चुअली ये पूरी ये दीवार से लेके दीवार तक लगी हुई थी, राइट, लेकिन ये अब दीवार से आगे आ गई है, तो इसको कैसे आपने मेजर करना है वो बताते हैं अभी आपको। ये मैं थोड़ा इसको फोकस कर लूँ, देखिए राइट, ये आपकी राइट साइड की रेलिंग है, ये आपकी लेफ्ट साइड की रेलिंग है, ओके। सो आपने करना क्या है कि आपने दोनों रेलिंग्स को अपनी अपनी जगह पर डाल देना है, राइट, ये आपकी जगह पे डल गई, ये यहाँ पे, राइट, जब डल गई तो आपने मेजरिंग टेप लेते हुए दोनों रेलिंग का जो डिस्टेंस है वो चेक कर लेना है, दैट्स इट। सो इसका डिस्टेंस अभी आया है 38 क्वार्टर से थोड़ा सा कम, सो उतनी हमें ये जो शेल्फ है वो काटनी होगी। सो चलिए लेट्स कट द शेल्फ। सो यहाँ पर 38 क्वार्टर से थोड़ा सा कम हमने निशान लगा लेना है, और इस साइड पर लगाते हैं निशान। निशान लगाने के बाद अब इसको काट देना है, दैट्स इट। मैं यूज़ करता हूँ टेबल सॉ इसको काटने के लिए, आप स्केल सॉ भी यूज़ कर सकते हो, कोई भी सॉ यूज़ कर सकते हो एक्चुअली। लेट्स गो। लीजिए अब हमारी ये शेल्फ भी कट चुकी है, अब हमारी बारी है जो शेल्फ के साइड पे रेलिंग लगानी है वो लगाने के लिए। अब उसके लगाने का बहुत ही आसान तरीका मैं आपको बताता हूँ। कहाँ गया भाई, आजा दूसरी रेलिंग भी आ जाए, अब बेबी कमर, ये दो शेल्फ हमने लगानी है। आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि एक जो शेल्फ है वो हुक वाली है, और दूसरी जो शेल्फ है वो बिल्कुल प्लेन है, तो वो देख लेनी है आपने कि कौन सी हुक वाली साइड आपने लगाई है, उस साइड पे आपको शेल्फ पे भी लगानी पड़ेगी। सो इसको लगाने का सबसे आसान तरीका है, इसको आप यहाँ पर रखिए, राइट, एंड इसको आप ऐसे लगा दीजिए, दैट्स इट। इसके लिए मैं वही स्क्रू यूज करूंगा जो इसके साथ आए थे। अभी ये दोनों साइड पे रेलिंग लग गई है, उस साइड पे भी लग गई है और इस साइड पे भी लग गई है, अभी इसको लगा के देखते हैं। It's all done. Look at that. And it's going in and out and in and out and in and out. आगे। अब यहाँ से आराम से मैं इसका माल को उठा सकता हूँ, राइट, सो इसलिए दिस इज द आइडिया, वो बड़े आराम से अंदर उतर जाएगा। अब जो ऊपर वाली शेल्फ है वो सेम प्रोसीजर फॉलो करना है, पहले मैं उसका सामान निकाल दूं और शेल्फ लगानी शुरू कर दूं। लेट्स गो।
एक्चुअली ये तीसरी भी मैंने लगा दी थी आपको दिखाने का, मैंने कहा क्या फायदा है क्योंकि आपने तो पहले ही देख लिया, आपको पता लग गया कि क्या होने वाला है और कैसे है। ये थर्ड भी मैंने लगा दी है। एक जो कार रह गया है वो ये रह गया है क्योंकि अब इसको हम बाहर निकालेंगे ऐसे और बाद में अंदर लेके जाएंगे तो मूवमेंट होगी, राइट। सो मूवमेंट से क्या हो सकता है कि अगर यहाँ पे एज पे कोई चीज ना हो तो उससे चीजें गिर सकती है नीचे। सो इसलिए लास्ट जो रह गया काम, आई मीन पेंट तो है ही है, पेंट तो बाद में करना ही पड़ा मुझे सारा, लेकिन जो एब्सोल्युटली ये लास्ट काम रह गया जिससे चीजें नीचे ना गिरे वो एक लास्ट स्टेप है, वो आपको दिखा लेते हैं। उसके बाद मैं पेंट वगैरह कर लूंगा, आप इंजॉय कीजिए अपनी जिंदगी। चलिए दिखाते हैं आपको कि एज कैसे बनाना है इसका, लेट्स गो। अब इसका एज बनाने के लिए आपको याद होगा कि हमने इसका ये साइड से काटा था, इसी लकड़ी को यूज करते हुए मैं इसके एज बना लूंगा। आइडिया क्या है कि इसकी 1 इंच की लेंथ में काटूंगा और उसको 1 इंच को ऐसे एज पे लगा दूंगा ताकि जब भी मूवमेंट होगी तो ये यहाँ से चीज़ें गिरेंगी नहीं बाहर, वो वहीं पे रहेंगी। सो लेट्स गो, लेट्स डू इट। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये 1 इंच का मैंने काट लिया था, अब इसको लगाने के लिए एक्चुअली मैं यूज करूंगा स्टेपल गन। और स्टेपल गन एक्चुअली क्या है कि एयर कंप्रेशर से, एयर की प्रेशर से, यहाँ ये गन है मेरे पास, ये आपको पहले भी मैंने देखी होगी आपने, ये एक स्टेपल्स होते हैं, आप इनको ऐसे डालते हो और ये आप बड़े आराम से, ब्लेस मी, देयर यू गो, बंद। और ये इसके यूज करूँगा मैं, आप स्क्रू भी कर सकते हो बट मेरे पास ये अपना एकदम है तो इसलिए मैं इसको यूज़ करूँगा। बट ऑफ कोर्स आप कंप्रेशर भी यूज़ कर सकते हो, आप स्क्रू भी यूज़ कर सकते हो, आप जो छोटी नेल्स होती हैं वो भी यूज़ कर सकते हो, जो भी आपको ठीक लगता है आप वो यूज़ कर सकते हो। लेट्स गो। जो नेल एक्चुअली खोले थे वो दोबारा वापस लगा देने एंड उसके बाद That's it. Done, 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 done. So here you go. आपका सारा actually बन गया है ये। अब जब भी इसको मैं कैसे भी करूंगा तो चीजें साइड से गिरेंगी नहीं, राइट। सिर्फ एक दिक्कत मुझे ये आई थी कि जो मेरी सामने वाली दीवार है वो थोड़ी कम थी और पीछे दीवार ज़्यादा, थोड़ी विड्थ उसकी 1/2 इंच के करीब ज़्यादा थी, 1/4 इंच के करीब, सो इसलिए मुझे यहाँ पे स्पेसेस डालने पड़े थे। बस एक वही दिक्कत आई थी, उसके अलावा एवरीथिंग इज़ ग्रेट। अभी जो नीचे वाले हैं उनके भी साइड पर ऐसे ही बॉर्डर बना देने हैं और That's it. Well. So, ये तीनों ड्रॉअर हो गए हैं एक्चुअली रेडी, सामान हमने रख दिया है। अब इसमें अच्छी चीज़ ये है कि जब भी मुझे सामान चाहिए होगा तो मेरे को पूरा झुकना नहीं पड़ेगा, इसको आगे निकाल के मैं सारा ये क्या कहते हैं इसको, ब्लेंडर भी निकाल सकता हूँ, जूसर भी आ गया यहाँ पे, वो इंस्टेंट पॉट आ गया, ये ब्लेंडर आ गया, ये मिक्सर भी आ गया, सो यहीं से उठा सकता हूँ, मेरे को झुक के नीचे नहीं जाना होगा। और जब नहीं चाहिए होगा तो इसको ऐसे हम बंद कर देंगे। सेम विद दिस, ये भी आ गया, इसमें अभी पूरा सामान अच्छी तरह हमने टिकाया नहीं है क्योंकि अभी देखते हैं कि अगर पेंट करना है या नहीं करना है। इसमें होती है हमारी दालें वगैरह या बाकी सब चीज़ें, तो ये भी एक्चुअली मुझे झुक के नहीं निकालनी पड़ेगी, ये बड़े आराम से यहाँ से मैं, ये सबसे पीछे वाली दाल है माँ की दाल, तो ये बड़ी है यहाँ पर तो आराम से निकाल सकते हो आप। और ये हमारा फायर एक्सटिंग्विशर भी बड़ा हुआ है एंड दैट्स इट। सो ये प्रोजेक्ट हो गया डन। पेंट जब होगा तब होगा, कब होगा क्या पता, हमें खुदा जाने, हमें नहीं पता। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस चैनल को बहुत ज़्यादा प्यार देने के लिए। हर वीडियो की तरह वीडियो के एंड में शाउट आउट आपको मिलेंगे जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया है, कमेंट किया है, इंगेज किया है अपने आप को मेरे साथ, मेरी छोटी सी फैमिली के साथ, यूट्यूब फैमिली के साथ।
होपफुली आपको ये वीडियो आई होगी पसंद और आपने एंजॉय किया होगा इस वीडियो को। अगर मैं किसी और को बाहर से बुलाता तो बहुत ज्यादा पैसे लग जाते हैं एंड सिंपली उसके स्केड्यूल पे डिपेंड होता, इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि जो भी घर के छोटे मोटे काम है वो मैं खुद ही करूँ। अगर आपको ये वीडियो आई है पसंद तो दीजिए थम्स अप, लाइक कीजिए इस वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए चैनल के साथ। अगली वीडियो तक अपना रखिए ख्याल, स्टे सेफ, बी काइंड टू ईच अदर।